हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर से हम हाजिर हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी न्यूज़ होगी, पहले तो हम उसका ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद आपके एग्जाम से रिलेटेड जो वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं हम उसको लेंगे, और जो एडिटोरियल्स होंगे उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, और वहाँ से हम क्या अपने लिए आंकड़े उठा सकते हैं उसको हम देखेंगे। रोज़ की तरह जो भी जीएस पेपर से जो भी टॉपिक आपका कनेक्ट होगा वो मैं बताती चलूंगी आपको। और कुछ लोग जो पीडीएफ वगैरह की डिमांड करते हैं तो मैंने पहले बताया हुआ है और अभी भी बताती हूँ कि ये जो स्कैन है, कोड है, क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके क्या कर सकते हैं, नोटबुक आईएएस के जो ऐप है उस पर जा सकते हैं और वहाँ से आप सारे इस लेक्चर के पीडीएफ जो है वो रीच कर सकते हैं। साथ के साथ में अगर यहाँ पर आपको नहीं हो रहा है स्कैनर के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हैं, जो यूट्यूब में नोटबुक आईएएस का ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर जाएंगे आप, तो नीचे एक गूगल का लिंक आएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो डायरेक्ट प्ले स्टोर का आपको रीच मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर के आप नोटबुक आईएएस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारे जो पीडीएफ लेक्चर्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होने वाले हैं उसकी किससे, हाईलाइट के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या है। पहली हाईलाइट है हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मेडिक्स टू लीड फाइट बैक अगेंस्ट AMR। AMR का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो आजकल जो दवाएं जो हम ले लेते हैं, कई एंटीबायोटिक्स ऐसे ले लेते हैं हम जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के होते हैं, छोटा सा अगर हमें खांसी सर्दी जुकाम फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, मेडिकल जा करके वहाँ से दवाई ले लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। और वो दवाइयाँ क्या होती हैं, हम बार बार यूज़ करते हैं, कई बार उसका कोर्स भी हम पूरा नहीं करते हैं, अगर हमें ठीक लगता है तो हम क्या करते हैं उनको लेना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हमें कोई दोबारा बीमारी हिट करती है और जब हम दवाएं लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर असरदार नहीं होती है, इम्पैक्टफुल नहीं होती है। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है छोटा सा, उसमें बताया गया है कि AMR क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो देखेंगे इसको, ये आपका GS पेपर 3 में जो हेल्थ वाला, साइंस वाला और हेल्थ वाला जो टॉपिक रहेगा वहाँ से आपको यहाँ क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस और आंकड़े जो मिलेंगे, देख लेंगे इसको पूरे अच्छे तरीके से। अगली हमारी छोटी सी न्यूज़ क्या है, डिफेंस के फील्ड में हमने फिर से एक महारत या कीर्ति कह लीजिए हासिल की है। एंटी प्राइम जो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है उसको हमने क्या किया है, अभी सक्सेसफुली उसका टेस्ट कंप्लीट किया है। तो अग्नि प्राइम जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके बारे में हम देख लेंगे और थोड़े बहुत वहाँ से जो भी फैक्ट हमारे एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं वो हम देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पे, अभी हम लोग फिलहाल खुद ही हम 3-4 दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है, किस तरीके से टेम्परेचर राइज की वजह से अलग अलग तरीके के चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी एक और नया जो इशू क्रिएट हुआ है, क्या हुआ है, ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो अल्बानिया वाला रीजन है वहाँ पे एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेशन का कारण क्या है, तो क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर का राइज होना, यानी कि तापमान का बढ़ना उस एरिया में, इनके माइग्रेशन का कारण बन रहा है। तो हम तो पहले देखेंगे माइग्रेटरी जो भी बर्ड है उसके बारे में, अल्बानिया की क्या न्यूज़ है उनके हैबिटेट से रिलेटेड, और फिर हम देखेंगे अल्बानिया की लोकेलिटी। अभी 2-3 दिनों से मैं हर दिन कोई ना कोई एक जो कंट्री होती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई कंट्री होती है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है और वहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं, तो मैं उसको मैप के थ्रू भी बताती हूँ। तो आज हम जो मैप देखेंगे, हम अल्बानिया का मैप देखेंगे, उसकी पूरी ज्योग्राफिकल स्टेटस को देखेंगे कि वो कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर वो है और उसके आसपास क्या लोकेलिटीज़ हैं। अगली हमारी क्या हाईलाइट है, अगली हाईलाइट है प्रिजर्वेशन गेन्स इन अमेजोन फॉरेस्ट कैंसल्ड आउट। तो अमेजोन फॉरेस्ट से रिलेटेड एक आया हुआ है उसके प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन देख लेंगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अगली हाईलाइट है सोनिया गांधी 13 अदर टेक्स ओथ एज राज्यसभा MP। तो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है कौन, सोनिया गांधी जी, और उनके साथ जो 13 अन्य लोग हैं उनको भी राज्यसभा की क्या दी गई है, सदस्यता या मेंबरशिप दी गई है। तो देख लेंगे साथ के साथ में, यहाँ से आपके पॉलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स वगैरह से, साथ के साथ क्या प्रोविजंस होते हैं इनको अपॉइंट करने के या फिर नॉमिनेट होने के, और साथ के साथ में जो भी आपके एग्जाम को देखते हुए जो फैक्चुअल डाटा होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट आपका GS पेपर 2 पॉलिटी वाले सेक्टर से यहाँ पर आपको अच्छा एक डाटा मिलेगा। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है नो सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया फॉर बाइंग रिफाइनिंग रशिया ऑयल US ऑफिशियल। अभी जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड स्टेट है, उसके सुर जरा से बदल गए हैं। उन्होंने बोला है जब भी इंडिया रशिया
पेट्रोल और का क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। इंडिया जो है यूक्रेन के साथ रशिया का वॉर हो रहा था उस टाइम पे, सारे जो ओवरऑल कंट्रीज़ हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया था रशिया को, लेकिन इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश था जो स्टिल हम क्या कर रहा था, रशिया से अपने क्रूड ऑयल को परचेस कर रहा था। तो उस टाइम पे जो यूएस है साथ के साथ अदर कंट्रीज़ ने भी इंडिया के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे कि इस तरीके से करना सही नहीं है, अगर पूरा देश जो है वो बायकॉट कर रहा है, पूरे कंट्रीज़ बायकॉट करें तो इंडिया को भी बायकॉट करना चाहिए रशिया को। लेकिन हमने वो सुनी नहीं थी, हमारी अपनी एक एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी है जिसको लेकर हम चलते हैं और संप्रभुता हम वहाँ पर भी रखते हैं, तो किसी भी देश के इन्फ्लुएंस में आके हम काम करते नहीं हैं। तो फिलहाल अभी क्या हुआ है कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वो लोग 2 दिवसीय यात्रा पे आए हुए थे, 3 दिवसीय यात्रा पे इंडिया में आए हुए हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा बोला है, थोड़े से सुर चेंज हुए हैं उनके, उन्होंने ये बोला है कि रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने का ये मतलब नहीं है कि कोई अदर कंट्री या इंडिया जो है उनसे क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकती, अगर इंडिया को सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल मिलेगा तो वो डेफिनेटली परचेस करेगी। हमारा उद्देश्य रशिया पे सैंक्शन लगाने का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि रशिया जो है अपने क्रूड ऑयल रिजर्व को और ज़्यादा ना बढ़ाए, मतलब हमारा उद्देश्य रशिया को हैम्पर करना है, ना कि और किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाना। तो ये जो थोड़े से सुर बदल गए हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज अभी डे बाई डे इतनी इवॉल्व होती जा रही है, इतनी स्ट्रांग होती जा रही है और ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई भी कंट्री जो है वो चाहता नहीं है कि इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हो, और अब यूएस ने ऐसी बात बोल दी है तो फिर तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगली हमारी क्या न्यूज़ है, अगली न्यूज़ है मार्च सर्विसेज पीएमआई सर्वे सिग्नल्स एक्टिविटी ग्रो इन स्ट्रॉन्गेस्ट सिंस 2010। तो 2010 के बाद से जो पीएमआई है उसमें क्या है, बहुत ही ग्रो देखा गया है, एक ग्रोथ देखी गई है। तो देखेंगे हम, परचेजिंग से रिलेटेड है ये और साथ के साथ इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या यूज़ है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक है वो GS पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्टर से क्या होगा, इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट से आपका रिलेट करेगा। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, हाउ आर सिम्बल्स अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस वजह से एक एडिटोरियल आया हुआ है जिसमें बात की गई है, दो रीजनल लेवल पे दो पार्टी हैं, बहुत छोटी सी पार्टी हैं, उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो है कुछ आर्टिकल्स या कुछ प्रोविजंस जो कि दलित जो भी परदली पार्टियां होती हैं उनको चुनाव चिन्ह अलॉट करने से रिलेटेड होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आया हुआ है, तो हम उसको देख लेंगे कि वहां से हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि कैसे किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का या फिर नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, या ये पूछा जाता है कि कैसे उनको चुनाव चिन्ह वगैरह अलॉट होते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है जो उस पार्टी को फुलफिल करना चाहिए। तो ये पूरी जो न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है, हम उसको देख लेंगे एडिटोरियल के साथ में। अगली हाईलाइट क्या है, मीडियन कैंसर डायग्नोसिस एज इन इंडिया इन लोअर देन वेस्ट। तो यहाँ पर बात की गई है कि अभी जो इंडिया में कैंसर के जो केसेस हैं वो अदर कंट्रीज़ की अब अगर तुलना की जाए तो बहुत ही अर्ली एज में इंडिया में कैंसर के जो डायग्नोसिस हो रही है, यानी कि बहुत ही अर्ली एज में कैंसर हो रहा है इंडिया के लोगों को, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो देखेंगे, ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, ये भी आपके GS पेपर 3 से, और कैंसर जो है वो बहुत बड़ा एक अभी के डेट में कंसर्न बना हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट इसके निकल के आते हैं, साथ के साथ इसके ट्रीटमेंट को लेकर भी अभी ज़्यादा बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है एकदम, कि एक बार अगर दवाई हो तो मेडिकेशन के थ्रू ठीक ही हो जाए, कई बार ही जान चली जाती है इसमें, कीमो वगैरह होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, तो अलग अलग तरीके से कैंसर को लेकर के कंसर्न रहता है। तो अभी देख लेंगे कि इस एडिटोरियल में क्या बात की गई है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है ऑन ग्लोबल इंडाइसिस मेजरिंग डेमोक्रेसी। तो ये एडिटोरियल आया हुआ है एक डेमोक्रेसी से रिलेटेड, और इसमें बात की गई है इंडियन डेमोक्रेसी की तुलना की गई है, अभी इलेक्शन का टाइम है इसलिए ये रिपोर्ट आई है, साथ के साथ में हम ये एडिटोरियल तो देखेंगे कि इसमें क्या बात की जा रही है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अभी जो जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है जो EIU है वो क्या करती है, हर साल डेमोक्रेसी से रिलेटेड इंडेक्स जारी करती है, तो वहाँ पर इंडिया की रैंक जो है वो 41th उन्होंने दी है, तो उसको हम देखेंगे 41st रैंक के साथ में इंडिया कि क्या चैलेंजेस है डेमोक्रेसी को लेकर के, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो इस तरीके के एडिटोरियल्स आते हैं, हमें ये नहीं देखना है कि क्या पॉलिटिकल इशू है, बट हमें ये ज़रूर देखना है कि हम यहाँ से अपने लिए क्या काम की चीज़ उठा सकते हैं। ठीक है, अगली हमारी हाईलाइट क्या है, अगली हाईलाइट है गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन टू रजिस्टर बर्थ। ऐसे ही तो ये ऊपर होनी चाहिए थी क्योंकि फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ छपी हुई है, इसमें क्या बोला गया है कि अभी जो
गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि जो अभी तक क्या होता था कि बच्चे का जो बर्थ होता था तो जो रिलीजन फैमिली का होता था उसके हिसाब से फैमिली के रिलीजन को बच्चे का रिलीजन मान लिया जाता था और उसको उस रिलीजन का घोषित कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, चूंकि हमने 2023 में ही क्या किया है, बर्थ जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक्ट होता है उसमें हमने संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है, तो उसमें हमने अभी एक नया प्रोविज़न जोड़ने जा रहे हैं हम, और ये रहेगा कि जो भी बच्चा जन्म लेगा उसके माता या पिता को ये उस समय में बताना होगा कि वो किस रिलीजन का उस बच्चे को रखना चाहते हैं या वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं और वो आगे चल के बच्चा किस रिलीजन का होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फैमिली को देख करके ही उसका रिलीजन तय हो जाए, पेरेंट्स से पूछा जाएगा और उसके बाद उसका रिलीजन जो है वो क्या किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। तो थोड़ी सी एक अलग सी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, इज़ द अर्बन वाटर सिस्टम ब्रेकिंग। तो अभी जो कर्नाटक में बेंगलुरु वाला वाटर क्राइसिस चल रहा है और ओवरऑल भी चल रहा है पूरे इंडिया में, तो उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है, इसको देख लेंगे हम। अगली न्यूज़ क्या है, व्हाट इज़ बेशल 3 इंगेज्ड ऑन व्हाई आर यूएस बैंक्स वर्कड अप अबाउट इट। इसको शायद आज डिस्कस करें, आज नहीं तो बहुत अच्छे से इसको, संडे है तो कल शायद आर्टिकल बहुत कम आते हैं, यूज़फुल आर्टिकल्स, तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ कल क्लास अगर नहीं हो पाएगी तो मंडे को हम क्या करेंगे, कल सैटरडे है तो कल तो क्लास हो ही जाएगी, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या है, बहुत ही अच्छे से ये यूएस के जो बेसल 3 नॉर्म्स है उसके बारे में आर्टिकल आया हुआ है। अब यूएस का ये है बेसल 3 नॉर्म्स, लेकिन ऑल ओवर जो वर्ल्ड होता है उसको यूएसए की कोई भी पॉलिसी होती है उससे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बहुत ही अच्छे से डीप में एनालिसिस करेंगे इसको। चूँकि आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स है तो इसलिए बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा ये, इसलिए हम इसको कल के लिए रखेंगे और बहुत ही डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बाकी सारे आज की जो न्यूज़ है उसको सबसे पहले हम चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू किया जाए, इसके पहले जो भी नॉन सब्सक्राइबर हैं कृपा करके सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिवेट थोड़ा करें, तो सो दैट हम क्या करें, डेली डेली अपना अच्छी मेहनत करके आपके पास अच्छा कॉन्टेंट लेकर आएँ। फिलहाल ये जो न्यूज़ है जो मैंने कहा था कि फ्रंट पेज पे है, तो ये न्यूज़ है गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन टू रजिस्टर बर्थ। तो अभी बोला गया है कि जो भी पहले ऐसा होता था कि जो बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट होता था उसमें ये बात होती थी कि जो भी बच्चा होगा वो उसकी फैमिली जो भी होती थी, दादा परदादा या फिर उसके माता पिता जिस फैमिली जिस रिलीजन से आते थे उसके आधार पर उस बच्चे का रिलीजन मान लिया जाता था कि हाँ ये बच्चा इस फैमिली में पैदा हुआ है। मतलब अगर हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है इट मीन्स कि वो हिंदू है, इसका रिलीजन हिंदू हुआ। लेकिन अब इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और पेरेंट्स यानी कि माता और पिता से पूछा जाएगा कि उनका क्या रिलीजन है, वो किसको मानना चाहते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई फैमिली जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करती होती है, लेकिन कुछ लोग उसमें से एक दो ऐसे होते हैं जो क्रिश्चियनिटी की तरफ चले जाते हैं या किसी अदर धर्म बौद्धिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली एक अलग रिचुअल को मान रही होती है पर उसमें से एक दो इंसान ऐसा होता है जो कि किसी अलग धर्म में अपना बिलीफ रखता है, तो वो चाहता है कि इन फ्यूचर अगर उनका बच्चा हो तो वो भी उसी धर्म को माने। तो इसलिए अभी क्या होगा कि पेरेंट्स से पूछा जाएगा बच्चे के बर्थ के बाद में कि हाँ आपको किस धर्म का अपने बच्चे को वो चीज़ें देनी है, तो वैसे अगर पेरेंट्स जो बताएंगे उस हिसाब से क्या किया जाएगा, उनको रजिस्टर किया जाएगा उस बच्चे को। और ये पूरा जो मामला है वो किस एक्ट के तहत होगा, तो ये होगा बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 का। बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये जो पहले का एक्ट है उसको अभी 2023 में अमेंड किया गया है और उसमें ये सारे प्रोविजंस डाले गए हैं। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये आपका हुआ था 2023 में अक्टूबर से ये इम्पोज हुआ और उसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि क्या किया गया है चेंजेस इस बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट के अंदर। तो जन्म अधिनियम 2023 में क्या चेंजेस किए गए हैं, इसका पहले बात तो उद्देश्य क्या है, पंजीकृत जन्म और मृत्यु के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस स्थापित करना। अगर किसी व्यक्ति को किसी सारे जो देश में अगर ये पता हो कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है तभी तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छी पॉलिसीज मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए इन सारे एक्ट का क्या यूज़ होता है, यही यूज़ होता है कि हमें एक ऑथेंटिक डाटा मिल जाए कि हमारी आबादी कितनी है। तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही होता है, मेन उद्देश्य ये होता है कि एक डेटाबेस तैयार कर लें जिससे कि हमें एक्चुअल डाटा क्या है वो पता चले। साथ के साथ इसमें क्या होता है, कानूनी जन्म प्रमाण पत्र वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है जन्म तिथि और स्थान के हिसाब से। अब जन्म प्रमाण पत्र का जब भी आपने CAA वाला मुद्दा देखा, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं पाकिस्तान ओरिजिन से आती हूँ या फिर मैं बांग्लादेश ओरिजिन से आती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या इस बेसिस पे इंडिया में ले सकती हूँ क्या नागरिकता, नहीं ले सकती। अगर मेरे पास प्रूफ होगा कि हाँ मैं उस देश से आती हूँ, मेरा जन्म वहाँ पर हुआ है, तभी जाके मैं यहाँ पर ले सकती हूँ नागरिकता। वैसा ही जो ये पूरा डाटाबेस होता है ये काम क्या करता है, ये यही
काम करता है कि किसी व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेशन के थ्रू ये बता देना कि हाँ इस व्यक्ति का जन्म इस देश में हुआ है और ये यहाँ की नागरिकता रखता है। बाय बर्थ तो रखता है, इन फ्यूचर जाके वो नागरिकता चेंज कर ले वो एक अलग मैटर है। तो पूरा इस अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है, पहली बात तो डेटाबेस तैयार करना, दूसरा है कि जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह प्रोवाइड करना, जो कि आगे चल के बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या होता है, यूज़ में आता है। अगला जो क्या पॉइंट है कि भारत सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2023 को जन्म और मृत्यु जो पंजीकरण अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया था, मैंने बताया, और अक्टूबर से ये पूरी तरीके से लागू हो गया था। तो ये जो न्यूज़ थी वो उसके बारे में हमने देख लिया, क्योंकि हाल ही में संशोधन हुआ है तो आपसे प्रश्न बनने के चांसेस यहाँ से रहते हैं। अब पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है या फिर प्रोविजंस हैं, तो जन्म पंजीकरण 30 दिनों के भीतर अनिवार्य है, यानी कि बच्चे के जन्म लेने के 30 दिनों के भीतर क्या करना है, उसको रजिस्टर्ड करवा देना है, उसके पेरेंट्स को जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा लेना है कि हाँ बच्चा जो है वो हमारी फैमिली में जन्म हुआ है और वो यहाँ का सिटीजन है। दूसरी बात यह है कि जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन होगा, तो दोनों ही माध्यमों में होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा डिजिटली एक्टिव नहीं हैं वो जाकर के ऑफलाइन करवा सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं वो तो ऑनलाइन करा ही सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ऐसा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, आधार कार्ड आवश्यक होगा, और जन्म और मृत्यु के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस जो होगा वो डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा। जो डिजी लॉकर वगैरह जब से ये नई गवर्नमेंट आई हुई है तब से उन्होंने डिजिटलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया, और एक अच्छी भी बात है। तो ये जो पूरा डाटा है जो नेशनल लेवल पर ये तैयार किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, डिजिटली एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। अगर कोई गलती होती है तो जुर्माना कैसे लगेगा, पंजीकरण में अगर देरी हुई या गलत जानकारी देने पर क्या होगा, जुर्माना लगेगा। अधिनियम का लाभ क्या होगा, तो वही लाभ होंगे, बच्चों को एक पहचान मिलेगी कौन से धर्म से आता है, कौन कहाँ देश का किस राज्य का सिटीजन है, वो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये पूरी जो है हमारी न्यूज़ हुई। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो मैंने बताया ये जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR से रिलेटेबल है, और ये कहाँ पर आता है, आपके GS पेपर 3 में आता है, साइंस वाले सेक्शन में। अभी नावाडेज आपने बहुत सारे टाइम पे अगर आप द हिंदू वगैरह जैसे न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत टाइम पे ये कंसर्न रेज होता है कि जो आजकल जो माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल जो भी दवाएं हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। तो इसमें बात की गई है, पहली बात तो ये कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, तो यही है कि जो एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं अपनी बॉडी में किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो वो जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो उन दवाओं का हमारे शरीर पे काम करना बंद हो जाता है, बहुत ही आसान शब्दों में ऐसे समझिए। दूसरी बात यह है कि ये पूरा कंसर्न क्यों उठता है, इसलिए उठता है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कई पोल्ट्री फॉर्म्स वगैरह हो गई या फिर जो गाय वगैरह को जो पशुपालन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने जो पशु होते हैं या पोल्ट्री फॉर्म में जो मुर्गियाँ होती हैं, चिकन्स होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ब्रीडिंग बढ़ाने के लिए, या गाय है तो दूध उसका बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल उनको क्या करते हैं, इंजेक्शंस वगैरह देते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अगर डायरेक्टली इस तरीके के बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम नहीं भी कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली दूध की वजह से या चिकन वगैरह की वजह से जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उसकी वजह से आपके बॉडी में ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये इसलिए बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि अगर आज हमने किसी बीमारी को हमने अगर लिया, हमारे शरीर में कोई बीमारी आई है और हमने उसको ट्रीट करने की कोशिश की, आज अगर हमने 2 दवाई खा ली वो ठीक हो गई, हमने वो दवाएं छोड़ दी, अगर ये चीज़ सेम टाइम रिपीटेशन हो गई, क्योंकि इंडिया में मौसम इतना ज़्यादा चेंज होता है उसकी वजह से क्या होता है कि हर बारी 2-3 महीने में एक ना एक बार सर्दी खांसी जुकाम इंसान को होता ही होता है। अब अगर बार बार अगर इस तरीके से हम डिजीज़ के आएंगे कनेक्ट में और उसके बाद कांटेक्ट में आने के बाद में क्या होगा, अगर हम मेडिसिन ले और उस मेडिसिन का हमारे ऊपर इम्पैक्ट होना ही बंद हो जाए तो फिर तो क्या होगा, भयावह कंडीशन हो जाएगी, महामारी जैसी, कोविड जैसी कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए इस पूरे टॉपिक पे कंसर्न दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बात क्या की गई है, नेक्स्ट जनरेशन टू मेडिक्स टू लीड फाइट बैक अगेंस्ट AMR। तो अभी बात की गई है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे वो अदर किसी फील्ड में हो, चाहे जैसे अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये जो पूरी डिजीज़ है, यही जो पूरी परेशानी है, उसके लिए जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक तरीके से काम कर सकता है। इसमें बात क्या बोली गई है, द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द 1920s वॉज अ क्वांटम लीप
इन ह्यूमन काइंड एबिलिटी टू ट्रीट एंड केयर डिजीज दैट वर ओवर अदरवाइज फैटल। तो ये बात की गई है कि 1920 से ही ये सारी चीज़ें डिस्कवरी चल रही है इस फील्ड में, और जो ह्यूमन काइंड है उनको, जो मानव है उनको बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं ज़रूरी हैं कि इन सारे दवाओं का, इन सारे डिजीज़ का क्या किया जाए, क्योर किया जाए। फिलहाल ये बात है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि कारण क्या है, तो द एबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी हमारे शरीर में हो जाते हैं अदर अलग अलग कारणों से, उसको ट्रीट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना ही पड़ता है। लेकिन अभी इसका क्या मिसयूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है इसका पोल्ट्री वगैरह में, जैसे कि ये पोल्ट्री हो गया या फिर एनिमल हस्बेंड्री वाले जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, इन एंटीबायोटिक्स का बहुत ही मिसयूज़ हो रहा है। वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कंज्यूम कर रहा है उस प्रोडक्ट को, उसके बॉडी में ये सारे माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो पहुंच रहे हैं। तो पहली बात तो ये हुई। उसके बाद इसमें बताया गया है कि क्या कर सकते हैं। तो एक रिपोर्ट आई है एग्रीकल्चर एंड फूड रिसर्च 2024 की, इसमें बताया गया है कि जो एंटी माइक्रोबियल बर्डन है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, साथ के साथ में हमारे यहाँ टेम्परेट जो सिचुएशन है इतनी अलग अलग है। हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा बदलते हैं, साल में 4 बार 5 बार तो मौसम ही चेंज होता रहता है। उसकी वजह से हमें क्या है, बीमारियाँ बहुत हिट करती हैं और फिर हम एंटीबायोटिक्स का बहुत यूज़ करते हैं। और जनरली इंडिया में तो यही कॉन्सेप्ट चलता होता है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप जाओ मेडिकल, मेडिकल जा करके आप क्या कर लो, एक दो दवाइयाँ ले लो, दो दिन की आपकी खुराक होती है, एक दिन में अगर हमें आराम मिल जाए तो दूसरे दिन का हम वो खुराक को स्किप कर देते हैं। तो इंडिया में ये बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता है, इस वजह से इंडिया में इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसमें बताया गया है कि इंडिया के ऊपर बर्डन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के मामले में हो, चाहे उसको क्या करने के, क्योर करने के मामले में या प्रिवेंट करने के मामले में हो। इसमें बताया गया है, एक आंकड़े दिए गए हैं, उसमें बताया गया कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ में उनके नाम में ही हैं 5 देश, कौन कौन से, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनमें बताया गया है कि 2010 के बाद से अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पर आए हैं, इन ब्रिक्स कंट्रीज में आए हैं। इसलिए क्या है, इनको मिलकर के इस पर काम करना चाहिए। साथ के साथ इसमें बात की गई है कि इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी अभी न्यू जनरेशन आ रही है, जो मेडिकल के फील्ड में जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस टॉपिक पर रिसर्च करें, अपना रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दें। साथ के साथ में जो भी एजुकेशन और प्रैक्टिसेज हैं, जैसे कि अवेयरनेस फैलाने के लिए, कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरीके से आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स नहीं लेने हैं। साथ के साथ में आपको जो भी पोल्ट्री फॉर्म में या एनिमल सेक्टर्स में जो भी इस तरीके के इलीगल काम हो रहे हैं उनको भी रोकना, उनमें भी डर पैदा करना, जागरूकता लाना कि इससे भाई दूसरों को नुकसान हो रहा है, आपको भी नुकसान होगा इन फ्यूचर चल करके, और अगर आपने ये चीज़ें नहीं रोकी तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरीके से बात की गई है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो इस दिशा में काम कर सकती है, और जो भी पोल्ट्री फॉर्म्स हो गई या जो भी एनिमल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनको भी एक जागरूकता फैलाना कि इस तरीके के वो एक्टिविटीज़ ना करें। साथ के साथ जो नॉर्मल ह्यूमन काइंड है उनको भी ये चीज़ें बोलना कि भाई एंटीबायोटिक्स का यूज़ आप सोच समझ के करिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ करिए, सो दैट क्या हो कि आपको भविष्य में चलकर इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से पाला ना पड़े और आप क्या है किसी भी बीमारी को इजीली टैकल करने के लिए कैपेबल हो जाएं। तो ये थी पूरी न्यूज़ जीएस पेपर 3 से रिलेटेड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल फाइट टेस्टेड सक्सेसफुली। अभी जो ये पूरा आपका आएगा जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में कहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले और साथ के साथ में जो डिफेंस वाला सेक्टर होता है वहाँ पर। तो अभी हमारे इंडिया में क्या है, आपने देखा होगा अलग अलग आंकड़ों के थ्रू बताया गया है कि इंडिया जो है, पहली बात तो डिफेंस पे अपने टोटल बजट का कितना परसेंट खर्च करती है, तो लगभग 8% तक का होता है ना। और अभी जो है वो आपने दो तीन सालों से देखा होगा कि हमने क्या किया है, डिफेंस के ऊपर अपना जो रेवेन्यू है या फिर एक्सपेंडिचर है उसको हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो हमारा ये जो कंसर्न क्या है,
क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारे जैसे पड़ोसी हैं, जितने अच्छे अच्छे पड़ोसी हैं, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इतने अच्छे पड़ोसी हैं तो ये कभी भी हमारे पीठ पे छुरा भोंक सकते हैं। अभी आपने एक दो दिन पहले की न्यूज़ सुनी होगी, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने को लेकर के चाइना और इंडिया के बीच में फिर एक अलग ही फनी एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, जिसमें जयशंकर सिंह ने बोला था कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल कर अपने नाम पर रख लूँ तो क्या वो मेरा हो जाएगा। बहुत ही फनी, बहुत ही अच्छा सा एक इंसिडेंट था। तो बिल्कुल वैसे ही अभी क्या हो रहा है कि डिफेंस के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपना जो योगदान है, अपना जो काम है वो बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल हमने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है, तो ये जो है आपके साइंस वाले सेक्टर से जो है रिलेट करेगा। तो हम देख लेते हैं अग्नि प्राइम के बारे में, छोटी सी न्यूज़ है, आपकी वन लाइनर फैक्ट के थ्रू दो तीन स्टेटमेंट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अग्नि प्राइम क्या है? अग्नि प्राइम जो है वो अग्नि मिसाइल पूरी श्रेणी है, एक अग्नि पूरी रेंज है, पूरी एक श्रेणी है, उसकी एक मिसाइल है अग्नि प्राइम, जो कि क्या कर रही है, किसके द्वारा बनाई गई है, DRDO के द्वारा, यानी कि जो रक्षा अनुसंधान संस्थान है या संगठन है उसने इसको पूरा क्या किया है, विकसित किया है। और ये क्या है, एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि जो मीडियम रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपसे प्रश्न कहाँ पे बनते हैं, इसी तरीके से बनते हैं, आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि ये मध्यम दूरी का है या फिर दूरी का ज़्यादा दूर का है या फिर ये शॉर्ट डिस्टेंस का यानी कि लघु दूरी का है। तो वो जो है आपको याद रखना होता है कोई भी टॉपिक पढ़ने के समय में कि क्या की पॉइंट्स बोले जा रहे हैं उसमें। और डिफेंस वगैरह से रिलेटेड जो भी आता है, जैसे कि कोई सैटेलाइट आ गई या फिर कोई ऐसे अग्नि प्राइम वगैरह जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह आ गई, तो उसमें दो तीन चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि मीडियम रेंज का है वो, तो ये पता चल गया आपको कि ये मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। साथ के साथ में उसमें ये पता होता है कि उसकी मारक क्षमता कितनी है, तो भाई 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक के टारगेट को क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। इसका जो निर्माण है वो किसने किया है, तो DRDO ने इसका निर्माण किया है। साथ के साथ अन्य विशेषताएं क्या है, दो चरण वाली है। ये दो चरण का मतलब क्या है कि एक तो इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि सॉलिड जो फ्यूल है या सॉलिड जो ईंधन है उसका प्रयोग किया गया है, तो ऐसे भी प्रश्न बनता है। साथ के साथ में इसकी सटीकता बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया गया तो वो जा करके इधर उधर चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अपने सटीक टारगेट पर जा करके हिट करता है ये, ठीक है। अधिक गतिशीलता है इसकी, काफ़ी अधिक गति है इसकी। साथ के साथ में इसको नवीनतम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रखा गया है, इसमें GPS वगैरह का और INS जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, INS इंडियन नेविगेशन सिस्टम, इसका भी यूज़ करके इसको बनाया गया है। साथ में इसमें क्या है, रिंग लेज़र जीरोस्कोप है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम वगैरह का यूज़ किया गया है। इन सब का यूज़ क्यों किया जाता है, तो जो भी इसमें सेंसर्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ये अपने टारगेट को अच्छे से रीच कर पाते हैं और बिल्कुल सटीक निशाना लगा पाते हैं। तो ये जो है वो अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में है, अभी सक्सेसफुली हमने टेस्ट किया है इसका। अब ये डेट्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि टेस्ट कहाँ पे हुआ है, तो ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप पर क्या किया गया था, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तीसरा लेटेस्ट। फिलहाल इसको बनाया किसने है, DRDO को। तो DRDO से हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, क्योंकि DRDO क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है और डिफेंस के क्षेत्र में है और अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है डे बाय डे। तो हम DRDO के बारे में देख लेते हैं कि DRDO के रिलेटेड क्या फैक्ट है। तो सबसे पहली बात तो कि ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका नाम है, और फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंग्लिश। उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली जो है हमारी, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई है इसकी, स्थापना हुई है 1958 में। तो 1958 में DRDO बना है और तब से लेकर के रक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में इंडिया के लिए बहुत अच्छा वो काम कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को रक्षा के क्षेत्र में क्या कर देना, स्वदेशी बना देना। अभी तो क्या था, पिछले दो तीन साल पहले अगर देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा डिफेंस के लिए इंपोर्ट पे क्या करते थे, डिपेंड थे, है ना। जैसे कि हम रशिया से बहुत ज़्यादा लेते थे अपना हथियार वगैरह, चाहे हमने USA से बहुत सारे हथियार खरीदे हुए हैं डिफेंस के क्षेत्र में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और स्वदेशी के तरफ आगे बढ़ने में DRDO का बहुत बड़ा हाथ है रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में। इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत ही अच्छी कुछ हमारे पास मिसाइल्स वगैरह हैं, जैसे अग्नि हुआ, पृथ्वी हुआ, त्रिशूल हुआ, चाहे वो तेजस हुआ, हल्के हेलीकॉप्टर्स हुए, लड़ाकू विमान हुए, ये सब जो है फॉर्मेशन या फिर इस्टेब्लिश जो भी करता है वो कौन करता है, DRDO करता है। तो DRDO के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली। अब फिलहाल जो है ये भारत का परमाणु कमान, तो हमारे यहाँ जो काम चलता है वो कैसे चलता है, हम जो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी पे काम करते हैं, कि जब तक हमें कोई टारगेट ना करे, हम
जब तक हमें कोई छेड़े नहीं तब तक हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ दे तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है ना। तो वही वाली हमारी पॉलिसी रहती है कि जब तक नो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी है, जब तक सामने वाला अटैक नहीं करता तब तक हम उसको क्या नहीं करते, परेशान नहीं करते। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत ही क्रिटिसाइज होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसके ऊपर कंसर्न रेज करते हैं कि सामने वाले ने परमाणु बम छोड़ दिया तो क्या आप वेट करोगे कि अब वो छोड़ेगा हमारे ऊपर जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी तो तब हम छोड़ेंगे। मतलब कि परमाणु बम तो ऐसे होते हैं कि वो मिनटों में पूरा विनाश कर सकते हैं ना। तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है कि नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी में कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आज के सिनेरियो को देखते हुए ये बात चलती है। फिलहाल जो भी टॉपिक था अग्नि प्राइम से रिलेटेड था, तो थोड़ा सा हमने अपने एग्जाम ओरिएंटेड, अभी प्रीलिम्स पास आ रहा है इसलिए हम इस तरीके के फैक्ट क्या करते हैं, डेली पढ़ते हैं। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है माइग्रेटरी बर्ड हैबिटेट इन अल्बानिया हिट बाय राइजिंग टेम्परेचर। तो अभी बात की गई है कि अल्बानिया जो है यूरोपियन एक कंट्री है, वहाँ पर टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है, एक हैवॉक करके पक्षी होता है तो वो क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पर, इस वजह से माइग्रेशन हो रहा है। और सिर्फ ये पक्षी नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे बर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं टेम्परेचर की वजह से। तो ये कहाँ पर पूरा एरिया है, ये ईडन गार्डन है, गार्डन ऑफ ईडन है अल्बानिया का, वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। और ये किस तरीके का है, तो एक वे वेटलैंड है और वेटलैंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैगून पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन लैगून्स के ऊपर में ये क्या होते हैं, ये जो बर्ड्स वगैरह हैं माइग्रेट करके आती हैं। और अभी फ़िलहाल जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, एटलीस्ट जो 40% माइग्रेटरी बर्ड्स पॉपुलेशन है वो क्या कर रही हैं, मिसिंग हो रही हैं। मतलब कि वो इस जगह पर नहीं आ रही हैं, वो माइग्रेट करके कहीं और चली जा रही हैं टेम्परेचर राइज़ की वजह से। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ आई हुई है, और इसका जो सीधा सीधा कनेक्ट कहाँ पर है, इसका कनेक्ट है आपका जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट वाले सेक्शन से। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब आप इसको चाहे तो अपने आंसर राइटिंग में मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने का एक कारण ये भी होता है, एक प्रभाव ये भी होता है कि जो बर्ड्स वगैरह हैं उनका भी माइग्रेशन होता है। साथ के साथ में आप इसको प्रीलिम्स के लिहाज से पढ़ सकते हैं कि बात कहाँ पर की जा रही है, अल्बानिया की बात की जा रही है। तो अल्बानिया की आप क्या पूरा ज्योग्राफिकल स्टेटस को देख सकते हैं, क्योंकि आपके मैपिंग वगैरह के थ्रू क्वेश्चन बनते हैं। तो अल्बानिया कहाँ पर पड़ता है, ये जो यूरोप वाला रीजन है यहाँ पर इटली है, और ये बिल्कुल नीचे जो यूरोप का बिल्कुल दक्षिण वाला दक्षिणतम भाग आप देखेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा इटली है यहाँ पर, और ये है एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी के बिल्कुल राइट साइड में या फिर ईस्टर्न साइड में ये अल्बानिया पड़ता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये कहाँ पर पड़ता है, तो एड्रियाटिक सी के ईस्टर्न साइड में या राइट साइड में अल्बानिया है, यूरोपियन एक कंट्री है। इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मॉन्टेनिग्रो दिख रहा है, ये आपको मैसेडोनिया दिख रहा है, और नीचे यहाँ पर आपके अल्बानिया के बहुत सारे लेक्स हैं, जैसे कि इसमें ऐसे बहुत सारे लेक्स हैं जिनका तो नाम भी नहीं सुना होगा कहीं पर भी। तो ड्रिन रिवर हो गई, या फिर ड्रिनिजी रिवर हो गई, लेक ओहरिड हो गया, यहाँ पर हो गया डेवोल रिवर, और ये विजोस रिवर। तो ये सारे जो हैं अल्बानिया में पाए जाने वाले लेक्स हैं, और कई इसमें वेटलैंड्स भी हैं। यहाँ पर हर साल टेम्परेचर, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है थोड़ा सा ठंडा रहता है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो बर्ड्स माइग्रेट होकर नॉर्दर्न साइड में जा रही होती हैं वो यहाँ पर हॉल्ट लेती हैं या रुकती हैं। लेकिन फिलहाल टेम्परेचर राइज होने की वजह से अभी ये आंकड़े आए हैं कि 40% बर्ड्स जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही हैं, या वो माइग्रेट होकर कहीं और चली जा रही हैं। तो इस वजह से जो है ये पूरा रीज़न क्या हुआ है, न्यूज़ में आया हुआ है। यहाँ पर माउंटेन कौन सा है, तो कोराब माउंटेन जो है वो अल्बानिया में है। अब जो न्यूज़ में होती है कोई भी टॉपिक, कोई भी कंट्री, जो इस तरीके की कंट्री जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सुना होता है हमने, वहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और चूंकि ये टॉपिक पूरा आपके सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और आपने यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ पर आपको माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह से रिलेटेड या एनवायरमेंट से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे रिलेट करके हम पढ़ रहे हैं, अल्बानिया के बारे में बात आई है इसलिए हम अल्बानिया को देख रहे हैं। हो सकता है कि आपसे अल्बानिया से रिलेटेड ज्योग्राफिकल स्टेटस को पूछ लिया जाए। तो हमने बता दिया कि यह कहाँ पर है, इटली है यहाँ पर, और इस साइड में है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के बिल्कुल राइट साइड में क्या है, अल्बानिया पड़ता है। यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड में नीचे की तरफ आप देख रहे हैं अल्बानिया। अब अल्बानिया से कौन से देश लगते हैं, पहली बात तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री तब होती जब चारों तरफ से वो किसी अन्य देशों से घिरी होती। फिलहाल ये केवल एक साइड से ही देश से घिरी हुई है, दूसरे साइड इसके एड्रियाटिक सी है, इस वजह से ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये एक तटीय कंट्री है। देखिए ये एड्रियाटिक का जो तट है वहाँ पर ये क्या कर रही है, एस्टेब्लिश है या फिर बनी बसी हुई है, ठीक है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि इसके
आसपास के अर्न कौन से देश हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि किस देश के साथ में सीमा साझा करता है, तो आप देखेंगे अल्बानिया जो है वो ऊपर इसके नॉर्थ साइड में आपको मॉन्टेनिग्रो दिख रहा है, उसके बाद नीचे ये कोसोवो है, उसके बाद ये रहा मैसिडोनिया और ये रहा ग्रीस। तो ये जो है चार कंट्रीज़ जो हैं उस अल्बानिया को घेरे हुए हैं राइट साइड से, और लेफ्ट साइड में उसके एड्रियाटिक सी है। ठीक है, ये हुई पूरी न्यूज़ आपकी। अल्बानिया की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो कई बार आपके वनडे एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग में कैपिटल्स को मैच करने के लिए पूछता है, तो अल्बानिया की कैपिटल है तिराने, तो याद रखिएगा अल्बानिया की कैपिटल तिराने है, एड्रियाटिक सी इसके लेफ्ट साइड पे पड़ता है, और उसके बाद इटली है, तो इटली और अल्बानिया के बीच में क्या है, एड्रियाटिक सी है। और अल्बानिया किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप नॉर्थ साइड में देखेंगे तो मॉन्टेनेग्रो, फिर उससे नीचे आएंगे कोसोवो, मैसिडोनिया और फिर ग्रीस। तो ये हुई अल्बानिया की लोकेलिटी कहाँ पर है, तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, और ये जो है किस तरीके से अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माइग्रेटरी स्पीसीज के इधर यहाँ से माइग्रेट होकर दूसरे जगह जाने की वजह से क्या हो रहे हैं, न्यूज़ में आए हुए हैं। अब हमारी अगली जो न्यूज़ है, इतना लंबा सेशन होता है बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है। चलिए अगली जो न्यूज़ है हमारी सोनिया गांधी के बारे में है। सोनिया गांधी और 13 अदर जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है अभी है, अगली न्यूज़ है सोनिया गांधी 13 अदर टेक्स ओथ एज राज्यसभा एमपी। तो राज्यसभा के एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में सोनिया गांधी जी ने साथ के साथ में अन्य 13 व्यक्तियों ने क्या किया है, शपथ ली है। और ये जगह खाली कैसे हुई थी, तो सोनिया गांधी जी जिस सीट पर आ रही हैं वो सीट पहले मनमोहन सिंह जी की होती थी, जो कि हमारे एक्स पीएम रह चुके हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने अभी हाल ही में 3 अप्रैल को क्या किया है, अपनी पूरी तरीके से वो राजनीति से तो संन्यास ले ही चुके थे और उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई थी 3 अप्रैल को, तो वो सीट उनकी खाली थी। 91 ईयर्स के हो गए हैं, तो अब वो आगे कंटिन्यू करना चाहते नहीं हैं, भाई इतने एज तक काम करना भी बड़ी बात है। तो जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने अपनी सीट खाली की थी, वो सीट अभी सोनिया गांधी जी को मिली है और वहाँ पर वो इलेक्ट होकर आई हैं। ठीक है, और उनके साथ साथ 13 अदर जो लोग हैं उनको भी क्या किया गया है, लोकसभा में इलेक्शन हुआ है और लोकसभा में वो आए हैं इलेक्ट होकर के। तो ये तो न्यूज़ थी, अब यहाँ से हमारे लिए काम की चीज़ ये तो एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, हाँ वनडे एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है कि किन किन लोगों को किया गया है इलेक्ट, लेकिन जो 13 से लेकर के 14 लोग हैं तो इतना ज़्यादा कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, अगर 2-4 लोग होते हैं तो पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन इलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो फिलहाल सोनिया गांधी जी को याद रखिए क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, और हमारे लिए जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है हम चलते हैं उसकी तरफ। तो राज्यसभा के नॉमिनेशन या फिर इलेक्शन से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसमें 3-4 तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो ये प्रश्न बनता है कि कौन से राज्य की कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो हम पहले थोड़ा सा एक क्विक देख लेते हैं ओवरव्यू, याद तभी होगा जब आप 2-4 बार इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटें हैं कितनी, 31, यानी कि 31 राज्यसभा सीटें अकेले उत्तर प्रदेश की है, और बनता भी है भैया 22 करोड़ की आबादी है, तो 22 करोड़ की आबादी में 31 सीटें तो बनती ही बनती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है राज्यसभा सीटें किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है तमिलनाडु, देखिए महाराष्ट्र में 19 है, उसके बाद तमिलनाडु है, फोर्थ नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। तो कम से कम आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा यूपी का है, यूपी इज़ ग्रेटर देन किससे, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, उसके बाद ये तमिलनाडु का नंबर आता है 18 सीटें हैं, और उसके बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, यहाँ पर कितनी सीटें हैं, यहाँ पर सीटें हैं 16। तो ये हुआ 3-4 स्टेट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी आपके स्टेट वार, अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट का क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर केरला का देख लिया जाए तो केरला में 4 सीटें हैं, झारखंड में 4 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं, तो इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। अगर 2-3 स्टेट के सेम नंबर ऑफ सीट्स होते हैं तो उसमें फिर आपको ऑप्शन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन इनमें से अलग है, यानी कि किसके पास में इससे ज़्यादा सीट है या फिर कम सीट है, तो इस तरीके से प्रश्न। तो थोड़ा सा इस फैक्ट को क्या है ध्यान से पढ़ना होता है। फिलहाल हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपके पॉलिटी में वो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पहली बात तो ये कि जो नामांकन या नामित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो कितने होते हैं, टोटल जो सदस्य होते हैं राज्यसभा में वो होते हैं 250। ठीक है, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 होती है, इसमें से जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा, वो नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति जी, और किस
फील्ड पे या किस आधार पे, तो 5 क्षेत्र हैं जिनके आधार पर नॉमिनेट किया जाता है। तो 5 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? कला का होता है, साहित्य का होता है, इस तरीके से विज्ञान का होता है। तो कला हुआ, साहित्य हुआ, विज्ञान हुआ, सामाजिक सेवा हुई, इन तरीके से 4-5 क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है 12 सदस्यों को। इसके अलावा जितने सदस्य बन जाते हैं, अब 250 में तो सदस्यों से रिलेटेड बात, ठीक। और उसके बाद में हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से आर्टिकल के थ्रू राज्यसभा में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो राज्यसभा का गठन तो पहली बात होता है आर्टिकल 80 के तहत, याद रखिएगा। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के गठन की बात करता है। उसके बाद जो उसमें इलेक्शन है वो कैसे होता है, तो 80 का क्लॉज 4 यानी कि आर्टिकल 80 क्लॉज 4, तो 80-4 जो है उसके तहत क्या होता है, राज्यसभा में सदस्यों का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है या फिर वो इलेक्ट हो करके आते हैं। अब शपथ के बारे में बात की जाए तो शपथ का समय क्या होता है, सदस्य को सदन में प्रवेश करने से पहले शपथ लेनी होती है और बिना शपथ के क्या है, वो वहाँ की सदस्य तले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अपनी भाषा में शपथ लेने की उनको आज़ादी होती है। तो मैंने बता दिया राज्यसभा से रिलेटेड जो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हमने यहाँ पर देख लिया कि आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन है, 80-4 में है उनके जो नॉमिनेशन या इलेक्शन से लेकर के, साथ के साथ 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और जो किस फील्ड में होते हैं, कला के, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के फील्ड में वो होते हैं, अपने फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की होती है, इसलिए उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। और इनकी सदस्यता कितने समय के लिए होती है, 6 वर्ष के लिए। देखिए राज्यसभा जो है वो एक तरीके का स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ये आपसे प्रश्न बनता है। तो राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन उनके जो सदस्य होते हैं वो हर 6 साल में बदल जाते हैं। तो हर 6 साल में 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका टेन्योर पूरा होता है और उनके जगह पे नए सदस्य आते हैं या फिर उनमें से कई सदस्य फिर से री इलेक्ट होकर के आ जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है इसको, या फिर ये एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन इनके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 6 साल में क्या होते हैं, अपने सदस्यता का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और फिर से इलेक्शन वगैरह होता रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हुई पूरी न्यूज़। अगले हम चलते हैं, नो सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया फॉर बाइंग रिफाइंग रशियन ऑयल, US ऑफिशियल ने ये बोला है। हमने स्टार्टिंग में चर्चा की कि सुर जरा बदले से हैं, क्यों? क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी अब ऐसी हो गई है, क्योंकि हम अपने क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग जो है अपने स्टैंड्स लेते हैं और जो हम जो भी चीज़ें अपने लिए बेनिफिशियल हैं हम उसको देख करके काम करते हैं। हम किसी भी कंट्री के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, चाहे वो USA हो, चाहे वो कोई अदर कंट्री हो, हमें जो हमारे लिए सही लगता है, हमारे देश के लिए सही लगता है, हम वो करते हैं। अब ये जो पूरा मुद्दा हुआ था यूक्रेन और रशिया वाला, जब 1.5 साल से चल रहा है, तो जब भी ये चीज़ शुरू हुई थी उस टाइम से ही USA ने क्या किया हुआ था, सैंक्शंस लगाए हुए थे रशिया के क्रूड ऑयल पे। अब रशिया जो है वो पूरा बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ ही बर्फ है उसके लगभग 50-60% एरिया में, कुछ ले दे के उसके पास ऐसे रिजर्व्स है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्रूड ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, उसकी वजह से उसका पूरा दाना पानी चलता है, ठीक है। अब रशिया जो है वो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से ऑलरेडी लॉस में है, अगर यूक्रेन को लॉस हो रहा है तो रशिया को भी ऐसा तो है ना कि फ़ायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सैंक्शंस लगे हुए हैं, जैसे कि नेचुरल गैस वगैरह से रिलेटेड सैंक्शंस लगे, तो अब रशिया का एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम हो चुका है और USA चाहता भी यही है कि इस तरीके के सैंक्शंस लगा करके रशिया के जो इम्पोर्ट है या एक्सपोर्ट है उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। लेकिन हमने इंडिया ने क्या किया था, जब ये दोनों वॉर में लगे हुए थे तब हमने क्या किया था, बहुत ही लो कॉस्ट पे, हमने बहुत सस्ते दरों पे रशिया से क्या किया था, क्रूड ऑयल परचेस किया था। जब हमने परचेस किया था तो बहुत कंट्रीज़ ने क्रिटिसाइज़ भी किया था इसका, उसमें इंक्लूडिंग US भी था, उसने बोला था कि इंडिया को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उनको यूक्रेन के बारे में भी सोचना चाहिए कि यूक्रेन के ऊपर रशिया इस तरीके से हमले कर रहा है वगैरह वगैरह। फिलहाल हमने उस पर कोई भी बात नहीं की, हमने बोला कि ये हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम किससे क्रूड ऑयल लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, ये पूरा मेज़र हुआ। अभी क्या हुआ है कि US के जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग यहाँ पर आए हैं इंडिया में 3 दिन की विज़िट पर। अब यहाँ पर जो फेस टू फेस
फेस जब बात होती है तो पीठ पीछे तो इंसान कुछ भी बोले, फेस टू फेस जब बात होती है तो ऐसा होता है ना कि हमें अच्छा अच्छा ही बोलना है सामने वाले के बारे में, पता चले कि कुछ फेंक के मार दे तो उस तरीके की चीज़ है। फिलहाल तो जोक सपाट, तो यूएसए ने बोला है कि हमारा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि इंडिया जो है वो क्या, इंडिया को हमें सप्रेस करना, ये हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। और इंडिया, जाहिर सी बात है, अगर अदर कंट्री भी होगी, अगर उनको सस्ते दरों पर कोई चीज़ें मिलेंगी तो वो उसको परचेस करेगी। हमारा इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि रशिया का जो ऑयल रिज़र्व है वो कम हो जाए इस सेंक्शन की वजह से। तो ये जो पूरा मुद्दा था एक यूक्रेन और रशिया के विवाद के बीच में, इंडिया के लिए थोड़ा सा फेवरेबल था। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ क्या है, मार्च सर्विसेज पीएमआई सर्वे सिग्नल्स एक्टिविटी ग्रेव टू स्ट्रॉन्गेस्ट सिंस 2010। तो ये बात की गई है कि 2010 के बाद से जो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पर क्या हुआ है, ग्रो देखा गया है, इंक्रीमेंट देखी गई है। और ये ग्रोथ कितने की है तो ये आप समझ लीजिए कि लगभग 2010 से लेकर के अब तक, यानी कि 13 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है ये। और किस मामले में, तो ये है सर्विस के मामले में। और ये पता कैसे चलता है, तो पीएमआई एक रिपोर्ट आती है, पीएमआई इंडेक्स के थ्रू ये पता चलता है कि अभी क्या चल रहा है हमारे इंडियन मार्केट में, ग्रोथ क्या चल रही है। तो पीएमआई जो है एक तरीके से बताती है टाइम टाइम पे, हर महीने ये जारी होता है आंकड़ा, और इसमें बताया जाता है कि इंडिया में डिमांड कैसी है और मार्केट की डिमांड के हिसाब से मार्केट की ग्रोथ कैसी है। तो ये HSBC है जिसने ये पूरा जो पीएमआई इंडेक्स जारी किया है। पीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई कहते हैं। किसने लाया है, HSBC इंडिया सर्विस लिमिटेड जो है वो इसको जारी कर रही है। और अभी स्कोर क्या है इंडिया का, तो इंडिया का स्कोर है इसमें 61.2%। अगर 50 नंबर से ज़्यादा का स्कोर होता है तो बोला जाता है कि जो इंडियन इकोनॉमी या अदर इकोनॉमी है वो अच्छा ग्रो कर रही है। ये पीएमआई का मेन कंसर्न क्या होता है, इसको करने का फ़ायदा ये होता है, इससे पता चल जाता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, अच्छा काम कर रही है या फिर थोड़ा सा स्लो डाउन वाली स्थिति चल रही है। तो फिलहाल हमारे लिए न्यूज़ अच्छी है क्योंकि पिछले 13 साल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ जो है वो इस मार्च के महीने में, बीते मार्च के महीने में हुई है। और कितना स्कोर रहा है, 61.2, यानी कि जो ये 50 नंबर वाला क्राइटेरिया है, 50 नंबर का जो स्कोर है उससे हम ऊपर चल रहे हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी चल रही है। मैंने बता दिया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अब ये क्यों यूज़ होता है, तो हमने पहले ही बताया कि मार्केट की क्या स्थिति है इसके बारे में। और यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनेगा, तो इस तरीके से प्रश्न बनता है कि ये काम कैसे करता है। तो पीएमआई सर्वेक्षण में क्या किया जाता है, विभिन्न जो भी सेक्टर्स होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में क्रय जो प्रबंधन होता है, यानी कि जो भी खरीद बिक्री होती है उससे रिलेटेड आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और तुलना करके निकाला जाता है कि ग्रोथ क्या रह रही है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये किस तरीके का सर्वेक्षण है, मासिक सर्वेक्षण है। और ये क्या काम करता है, जो भी व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही है अक्रॉस द कंट्री उसको क्या करता है, मापने का काम करता है। अभी जारी किसने किया है, तो HSBC जो है उसने इसको जारी किया है। ठीक है, तो ये जो है पीएमआई से रिलेटेड है टॉपिक। अब पीएमआई में मैंने बता दिया कि स्कोर अगर 50 से ऊपर है पीएमआई का तो क्या बताता है कि व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही है, यानी कि जो ग्रोथ हो रही है इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी जो है वो सही चल रही है। अगर 50 से नीचे है तो फिर डिक्लाइन वाली स्थिति है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में लॉस हो रहा है। इसकी सीमाएँ क्या है कि ये वास्तविक आर्थिक डेटा पर आधारित नहीं है और साथ के साथ में ये केवल विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को ही शामिल करता है। ये इसकी थोड़ी सी कमियाँ हैं कि जो इसमें डाटा है हर महीने चेंज होता है और हर महीने ये रिपोर्ट आती है तो बहुत रिलेवेंस नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। और साथ के साथ में यह है कि इसमें केवल और केवल जो कंस्ट्रक्शन वाला यानी विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है और जो सर्विस सेक्टर है उसको शामिल किया जाता है। इस वजह से क्या है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ है उसको बताने के लिए और एक अच्छी खबर मिल रही है तो फिर क्या जाता है हमें उसको लेने में, ये बात है। चलिए अगली जो हमारी न्यूज़ है, अगली न्यूज़ है हाउ आर सिंबल अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये जो एडिटोरियल है वो बिल्कुल ऐसे आया है कि एक दो पार्टियां हैं साउथ में, एक तो है VCK और VCK के साथ में अभी एक टसल चल रहा है NTK पार्टी का। तो VCK और NTK ये दोनों ही क्षेत्रीय लेवल पे, रीजनल लेवल पे बहुत छोटी सी पार्टियां हैं, अभी अभी ये उग रही हैं, राइज हो रही हैं ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अभी बस बच्चे ही हैं ये देखा जाए तो पॉलिटिकली, अभी इनके बीच में एक चुनाव चिन्ह को। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं क्षेत्रीय लेवल
लेवल पे अभी अभी उठ रही हैं और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है चुनाव चिन्ह को लेकर के। मुद्दा ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने VCK पार्टी को 2 साल पहले जो चुनाव चिन्ह अलॉट किया था वही चुनाव चिन्ह उन्होंने इनको अलॉट कर दिया NTK को। तो ये मुद्दा उठ के आया कि ये तो हमारे पास था, इनको कैसे दे दिया गया, क्या इलेक्शन कमीशन ने ये सही किया? तो बिल्कुल सही किया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि उनके पास राइट है। राइट ये है कि VCK पार्टी जो है, क्राइटेरिया ये होता है कि अगर जिस पार्टी को चुनाव चिन्ह अलॉट होना है उसका जो लास्ट जो असेंबली चुनाव होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, 1% से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। अब 1% से ज़्यादा वोट 2021 के चुनाव में इस VCK पार्टी को मिले नहीं थे, तो इस वजह से क्या हो गया, इनसे चुनाव चिन्ह ले लिया गया और वो दे दिया गया NTK को। तो ये जो न्यूज़ थी वो इनके क्षेत्रीय लेवल पे जो पार्टियां थी उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ से हमारे लिए प्रश्न कैसे बन सकता है, हमारे लिए प्रश्न बन सकता है, पहली बात तो ये कि चुनाव चिन्ह अलॉट करने से रिलेटेड क्या परसेंटेज होना चाहिए, कितने परसेंट वोट, 1% वोट होना चाहिए लास्ट 2 इलेक्शंस में। अगर पिछले जो भी 2 इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों और विधानसभा के, 1% वोट एटलीस्ट मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पार्टी क्षेत्रीय होती है, कौन सी पार्टी स्टेट लेवल की होती है, कौन सी पार्टी जो होती है वो राष्ट्रीय लेवल पर होती है। तो देखिए, स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, विनिंग 1 लोकसभा सीट और एवरी 25 सीट्स और 3% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स। तो मतलब इसमें क्या है कि या तो आप 25 सीटों में से लोकसभा की एक सीट ले आइए, या तो आप 25 में से एक ले आइए, या फिर आप क्या करिए, जो असेंबली चुनाव होते हैं यानी कि विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ पर 3% वोट ले आइए। अगर आप ये कर लेते हैं तो क्या मिल सकता है, स्टेट पार्टी का दर्जा यानी कि राज्य पार्टी का दर्जा मिल सकता है। साथ के साथ ये तो हुआ एक पॉइंट कि लोकसभा में एक सीट ले आओ या फिर जो है 3% असेंबली सीट्स ले आओ आप कहाँ पर, विधानसभा में, ये सीट्स के मामले में, ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको क्या करना है कि जो भी असेंबली चुनाव हैं आपके, एटलीस्ट आप लोकसभा में और असेंबली चुनाव में 2 सीट जीत रहे हों, साथ के साथ में 6% आपको वोट मिल रहे हों। तो पहली कंडीशन तो ये हुई कि आपको 1 सीट मिले लोकसभा में, 3% सीट मिल जाए विधानसभा में। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि अगर आप लोकसभा या विधानसभा में हैं तो आपको 1 सीट मिल जाए और 1 सीट के साथ जो भी टोटल वोट पड़े हैं, वैलिड वोट पड़े हैं, उसका 6% वोट मिल जाए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो भी क्षेत्रीय राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है। या फिर क्या होता है, तीसरा क्राइटेरिया है सिक्योरिंग 8% वोट और पोल्ड इन अ जनरल इलेक्शन, जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा के वहां पर क्या हो, तीसरा पॉइंट ये है कि 8% वोट मिलना चाहिए ओवरऑल, जो वैलिड वोट पड़े हैं, वैध मत पड़े हैं, उनका 8% अगर मिल जाता है किसमें, जनरल इलेक्शन में यानी कि लोकसभा चुनाव में। इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करके किसी भी पार्टी को जो कि रीजनल लेवल पे है उसको क्या हो सकता है, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो इस एडिटोरियल में, इस पूरे आर्टिकल में यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी और ये टॉपिक से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। इलेक्शन का टाइम है इस वजह से भी इन सारे पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है। अब चलते हैं अगले हमारे टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है आपका GS Paper 3 में जो हेल्थ वाला टॉपिक होता है वहाँ से रिलेट करता है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया में कैंसर की स्थिति के बारे में बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है कि मीडियन कैंसर डायग्नोसिस एज इन इंडिया इज़ लोअर देन इन वेस्ट। तो अभी जो हो रहा है, बात ये की जा रही है कि जो इंडिया में मीडियन कहने का क्या मतलब होता है कि जो मिडिल एज है या फिर कम एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा कैंसर से प्रभावित हैं, लेकिन उनके डायग्नोसिस की बात जो है वो रेट जो है वो इंडिया में बहुत कम है, यानी कि बहुत ही कम लेवल पे अभी तक हम कैंसर को डायग्नोस कर पा रहे हैं, उसका पता लगा पा रहे हैं। और किसके कंपेयर में, जो भी बड़ी कंट्रीज है लाइक US हुआ, UK हुआ, चाइना हुआ, इन सारे कंट्रीज़ के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो इंडिया में ये जो मीडियन एज कैंसर डायग्नोसिस है उसका रेट जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और इसमें 2-3 चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अगर आप अदर कंट्रीज़ की तुलना करें तो 63 की एज में वहाँ पर कैंसर वगैरह से रिलेटेड लोग आते हैं, इतने एज ग्रुप के लोगों को मिलता है कैंसर की शिकायत, लेकिन इंडिया में क्या है, ये रेट जो है वो 52 की एज में ही क्या हो रहा है, लोगों को इस तरीके के सिम्टम्स मिल रहे हैं या लोग इंडिया में इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। दूसरी बात इसमें बोली गई है कि जो ये तो कैंसर जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऐसा नहीं कि किसी के छाँक खांसने छींकने से आप उसके संपर्क में आ जाएंगे, ये इनर हमारी बॉडी में ही होता है और ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे को उसको दे देंगे। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब यह है कि गैर संचारी, यानी कि हमारी वजह से दूसरे को नहीं होगा, वो हमारी प्रॉब्लम है, वो हमारे तक ही रहेगी। तो कैंसर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे खतरनाक बीमारी है और इसके डायग्नोसिस को लेकर के अभी जो है ये कंसर्न आया हुआ है। दूसरी बात इसमें यह की गई है कि जो इंडिया में जो एज ग्रुप है जो कैंसर से प्रभावित हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं,
मतलब कि 40 से अंडर एज के लोगों में ये ज़्यादा चीज़ें निकल के आ रही हैं। साथ के साथ में किस तरीके के कैंसर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, इस तरीके के मामले सबसे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो 30% जो कोलन कैंसर आ रहा है, यानी कि जो रेक्टम का कैंसर होता है वो निकल के आ रहा है 30%। तो ये इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें क्या बात की गई है, एक इशू जो है वो रेज किया गया है, इसमें डाटा के थ्रू बात की गई है कि रेजिंग इज़ द इशू ऑफ वेस्टर्न डाटा बीइंग एक्सट्रापोलेटेड, मतलब कि जो वेस्टर्न डाटा के हिसाब से हमने यहाँ पर क्या किया है, जब ये पूरी रिकॉर्ड निकाली है, तुलना की है, तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसकी तुलना में हमारे यहाँ कंसर्न ज़्यादा है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और इसमें बात की गई है कि जो भी कारण क्या हो रहा है, इसका कारण ये हो रहा है कि जो कैंसर तो बाद की बीमारी है, वो बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पर ना भी हो, तो जो प्री डायबिटीज़ वगैरह जैसी चीज़ें हुई या फिर हाई ब्लड प्रेशर वाली चीज़ें हुई, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका लॉन्ग टर्म में जा करके जो साइड इफ़ेक्ट है वो कैंसर के रूप में हमारे शरीर में दिखने को मिलता है। तो कैंसर अकेले अपने आप में एक बीमारी नहीं है, उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है, चाहे वो हमारा लाइफ स्टाइल हो, चाहे वो हमारा जो खान पान का तरीका हो, और जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक न्यूज़ आई हुई है, GS पेपर 3 से रिलेटेड है। यहाँ से आप आंकड़े उठा सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है ये बात कर रही है ग्लोबल डेमोक्रेसी के बारे में, ऑन ग्लोबल इंडाइसेस मेजरिंग डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है। अभी जो VDEM इंस्टीट्यूट है उसने क्या किया है, इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बहुत भली बुरी बातें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि इंडिया में जो है वो तानाशाही वाली स्थिति है, निरंकुश शासन चल रहा है इंडिया में। और किस बेसिस पे बोली है, एक EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आती है, ये डेमोक्रेसी के बारे में बताती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है। इसमें जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 41st। तो 41st रैंक मिला है 2023 में, है ना, लेटेस्ट डाटा यही है। उसके पहले क्या रैंक थी, तो 2022 में 46। तो अगर आप पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं तब तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो कंडीशन है वो थोड़ी बेटर हुई है। पिछले बार हमारी 46 रैंक थी और अभी क्या हो गई है, 41 पे हम आ गए हैं। लेटेस्ट आंकड़े लेटेस्ट रैंक के हिसाब से डेमोक्रेसी के मामले में ऑल ओवर कंट्री में 167 कंट्रीज़ को ये ले करके चलता है और उसमें हमारी 41 रैंक है। और दूसरी बात ये अच्छी है कि चाइना जो हर रैंक में हमसे अच्छा रहता है हर रिपोर्ट में, वो यहाँ पर बहुत ही हमसे पीछे चल रहा है। तो ठीक है, ये तो एक अच्छी बात हुई, लेकिन इसमें कंसर्न बोला गया है कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में डेमोक्रेसी के लिए ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी से लेकर के रिलेट रिपोर्ट हो, चाहे वो हंगर रिपोर्ट आई थी, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स आती है, इन सब में क्या होता है, इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब दिखाई जाती है। तो इस एडिटोरियल में एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है, यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडाइसेस जिस डाटा का यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, और गवर्नमेंट भी अपने यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी टाइम टाइम पे इसके रिगार्डिंग क्या करती है, इशू रेज करती रहती है। इसमें बात क्या की गई है, बात ये की गई है कि जो इनका डाटा कलेक्शन का मेथड है ना, वही बहुत ही सटीक नहीं है, सही नहीं है। क्यों सटीक नहीं है, क्योंकि ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति PhD कर रहा है और वहाँ पर वो क्या कर रहा है कि डेमोक्रेसी के ऊपर वो कोई रिपोर्ट या थीसिस तैयार कर रहा है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, पॉजिटिव्स भी लिखेगा, उसके नेगेटिव्स भी लिखेगा। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको नेगेटिव तरीके से दिखाना होता है या उनको बोलना होता है कि नेगेटिवली आप बताइए, आलोचनात्मक तरीके से बताइए कि इंडियन डेमोक्रेसी क्या काम कर रही है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट बिल्कुल उस तरीके से तैयार करते हैं। और ये जो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्हीं के आंकड़ों को उठा करके क्या करती है, अपनी रिपोर्ट तैयार कर देती है। मतलब ग्राउंड लेवल पे हम ये जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये नहीं जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, ऑलरेडी जो थीसिस पड़ी हुई है, ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसको पढ़ करके और उसके डाटा उठा करके इस तरीके की रिपोर्ट जारी कर देती है। पहली बात तो ये, दूसरी बात है कि जो डाटा है उसमें सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है वो हाथ धो करके इंडिया की जो गवर्नमेंट है या इंडिया को नीचे दिखाने के लिए इस तरीके की चीज़ें करती हैं। मतलब कि उनका कुछ ऐसी कंट्रीज टारगेटेड होती हैं कि इनके ऊपर हिट करना ही है और इनकी छवि को ख़राब करना ही है, तो ये भी एक मैटर आता है।
तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो इसी से रिलेटेड बात करता है। और जो वी डैम है वो भी जो अपनी रिपोर्ट बोल रहा है कि इंडिया में इतने निरंकुशता है, वो इस IEEIU के डाटा का यूज़ करके ही बात कर रहा है कि इंडिया में ये सारी कंडीशंस हो रही हैं। तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया, आपको एक दो पॉइंट एग्जाम में लिखने के लिए हो गए कि जो भी इनका डाटा कलेक्शन की मेथडोलॉजी है वो सही नहीं है, उसमें लूप हॉल्स हैं। कई बार हमने हंगर इंडेक्स में देखा क्या था कि वहाँ पर एक जो सिस्टम है पूरा उनका डाटा कलेक्ट करने का, वो क्या करते हैं रैंडमली 3,000 या 10,000 लोगों को कॉल करते हैं, कॉल करके पूछ लेते हैं कि क्या आपको आज खाना मिला, और उसके हिसाब से वो पूरा अपना एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं चलता है, गैलप रिपोर्ट बोलते हैं जो हंगर के लिए होता है। और इस तरीके से क्या हो रहा है, डाटा कलेक्शन में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से इंडिया की छवि बार बार खराब हो रही है, कुछ लिमिटेशंस है इस इंडेक्सेस के जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव छवि जो है हमारी निकल के आ रही है। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है वो बताती है। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो हो सकता था, जैसे कि इंडिया की रैंक डेमोक्रेसी में क्या है, तो 41st रैंक है अभी फिलहाल, पिछले साल कितनी थी 46 थी, जारी कौन करता है डेमोक्रेसी रिपोर्ट, तो EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है ये जारी करती है। 167 देशों में भारत की रैंक कितनी है, 141st। अब ये बात करता है अर्बन वाटर सिस्टम के बारे में, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत खास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है इसमें, कुछ खास पॉइंट नहीं है, हमने बात की हुई है सारे इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमने बात की हुई है कि वाटर क्राइसिस हो क्यों रहा है अर्बन क्षेत्रों में, ज़्यादा अर्बन क्षेत्रों में होने का यही कारण है कि कंक्रीट की हमने सड़कें बना दी है, वाटर को मैनेज करने के लिए हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी जो है बारिश में आता भी है तो वो ग्राउंड लेवल पर नहीं जा पाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन का दौर है वहाँ पे पानी की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती है, और उद्योग वगैरह वहाँ पे लगे होते हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें यूज़ में नहीं आ पा रही हैं, मतलब कि पानी का जो है वो मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ के साथ में उद्योगों वगैरह के लिए भी काम बहुत ज़्यादा उसका पड़ ही रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, पानी की लगातार कमी इन शहरी क्षेत्रों में हो रही है। तो वो जो टॉपिक है हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है अर्बनाइजेशन को लेकर के, कर्नाटक बेंगलुरु वाला जो पूरा मामला है, इस वजह से उसको हम और डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हम इसको कल अच्छे से डिस्कस करेंगे सैटरडे को। और ये व्हाट इज़ द बेसल थ्री इन डेज द वाई आर द US बैंक क्या कर रहा है, वर्कड अप अबाउट इट, तो ये जो आर्टिकल है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो है बहुत लेक्चर लंबी हो गया है, आपकी क्लासेस डलने में अपलोड होने में डिले हो जाएगा, इसलिए हम इसको कल अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि US में कोई भी नॉर्म चेंज होता है उसका इकोनॉमिकली वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कल हम जब चर्चा करेंगे तो बेसल थ्री क्या होता है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, जो भी टॉपिक्स था उसको हमने इन डिटेल चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ में। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो हमारे नोटबुक आइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।